रमेश। हाँ भाभी। काहे चिल्ला रहे हो भैया? भाभी हाँ। आप जानती हैं कि इंसान जो रोटी मांगने के लिए हमारे पास आया है ये कौन है? तू जानता है? अच्छी तरीके से जानता हूँ उसे मैं। आराम से बाबू, अगर तू जानता है तो बेचारे को समझा दो भैया कि देखो भाई, ये शमशान घाट है, यहाँ रोटियां नहीं मिलती। अगर रोटी खाना है तो किसी गांव किसी बस्ती में चले जाओ। कादे से समझा दो भैया। किसे समझा दूं भाभी, किसे समझा दूं मैं? अरे ये इंसान हो तो इसे समझाऊं ना? ये तो इंसान के भेष में ये कमीना शैतान है, शैतान। नहीं बाबू, ऐसे नहीं बोलते भैया। देख मुन्ना, अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो हमें बुरा कहने का कोई हक नहीं बनता भैया। नहीं भाभी नहीं, आप शायद कुछ भी नहीं जानती हैं। क्या? अरे यही इंसान तो हमारी बर्बादी का कारण है। इसे बेरहम इंसान ने मेरी दीदी को बेरहमी से मार डाला। और जानना चाहती हैं आप कि ये कौन है? ये कोई गैर नहीं बल्कि मेरा कसाई भाई और आपके पति राहुल है। मैंने अपनी नजरों से देखा। अरे वाह रमेश कुमार, कितनी आसानी से इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया अभी अपने बाप समान भाई पर। अरे जिस बहन को मारने की बात तू कर रहा है, तुझे क्या पता है? उसका बचपना मैं जानती हूँ। अरे उस बहन को तेरे भैया ने अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। अपने हाथों से नहलाया करते थे, कभी हाल को नहीं देखे, अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। उस बहन को अपनी बाहों का झूला झूला कर सुलाया करते थे। जरा सोचो देवर जी, जो भाई अपनी बहन से इतना प्यार करता हो, वो भाई अपनी बहन को कैसे मार सकता है? वाह भाभी वाह, धन्य हैं आप। आप तो साक्षात ममता की एक मूर्त है। साथियों, इन्हें कहा जाता है हिंदुस्तान की पतिव्रता नारी। आप लोग देख रहे हैं कि अपने पति के हाथों इतनी प्रताड़ना सहने के बावजूद अपने बच्चे की सड़ी गली लाश लेकर दर बदर की ठोकरें खा रही है, लेकिन फिर भी इनके दिल में अपने पति के लिए इतनी बड़ी हमदर्दी, इतना बड़ा प्यार। धन्य भाभी आप, धन्य। देव रमेश, हिंदुस्तान की नारी का, हर नारी का पति उसका भगवान होता है। पत्नी कैसी जो अपने पति का दिया हुआ छोटा सा दर्द न सह सके। मैं तो हर वक्त एक ही बात कहती रहती हूं कि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। या मालिक, ये मुझसे कैसा अनर्थ हो गया।
अनजाने में मैंने अपने बाप जैसे भाई पर ही शक किया, अपनी बहन के खून का झूठा इल्जाम लगाया, अपने इन्हीं हाथों उन्हें मारा पीटा। हे भगवान। रमेश कुमार, हाँ भाभी, ऐसा लगता है कि तुम्हारे भैया कई दिन के भूखे हैं, इनके खड़े होने की शक्ति नहीं है बाबू, तो कुछ खाने का इंतजाम कर, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा रे। भाभी, आप जानती हैं कि हमारे पास एक पैसा नहीं है, ऊपर से शमशान घाट है, तो आप ही बतलाइए भाभी कि मैं भैया के लिए रोटी का इंतजाम कहां से करूं? हाँ भैया, पैसे तो नहीं हमारे पास भी, एक रास्ता है। वो क्या भाभी? करोगे ना? हाँ मैं करूंगा, इनकार मत करना। अरे कैसी बातें कर रही है भाभी आप, कहिए तो सही मुझसे। उठा इस कफन को, ये कफन उठाओ और किसी दुकान पे बेच के हमारे पति के लिए रोटी लेकर आओ। ये आप क्या कह रही है भाभी? अरे आप पागल तो नहीं हो गई है? चल अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अगर मैं इस कफन को ले जाकर किसी दुकान पर बेचकर भैया के लिए रोटी का इंतजाम करूंगा, तो जरा सोचिए कि हमारे दोनों बच्चों का कफन दफन कैसे होगा भाभी। देवर रमेश, हमारे दोनों बच्चे मर चुके हैं, क्या तू चाहता है कि इन दो लाश के बीच में तीसरी भी आ जाए? नहीं भाई, नहीं, नहीं। हमारे पति मर जाए, हमारी मां का सिंदूर उजल जाए। भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें ना बोलिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। तो उठाओ, उठाओ इस कफन को और इससे बैठ के खाने को लेकर आओ, जितनी जल्दी हो सके जाओ। कहाँ जा रहे हो रमेश? कफन बेचकर रोटी लाओगे भाई? खड़े खड़े तुम दोनों की बातें सुन रहा हूं, कफन बेचने जा रहे होगे ना? आज भी कहता हूं कि मैंने बहन को नहीं मारा था भाई, अभी हमसे तुम नाराज हो रमेश कुमार, तेरे न रहने पर हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरे बेटा तो मर ही गया हमारा, बहन भी मर गई और तू हमसे दूर चला गया। अपने भाई को माफ कर दो रमेश, हमारे पास पगले, हमने तुम्हें भाई के नजरिए से कभी नहीं देखा, हम तुम्हें एक बेटे के हैसियत से समझा करते थे। रमेश कुमार ये देखो, बहन रितु की लाश है जो हम दोनों की कलाई में रक्षाबंधन के दिन राखी बांधा करती थी, और इस तरह बेटा है, इसको इस लाश पर डाल दे, देर मत करो मेरे भाई, कफन डाल दो।
आ गया मिले। रो नहीं, अरे इस दुनिया से आपका एक बेटा गया है, अभी इस दुनिया में है तुम्हारा दूसरा बेटा जिंदा है भैया। मैं आप दोनों के बुढ़ाई के सहारा बनूंगा, मैं आप लोगों को कमा के खिलाऊंगा भैया। अरे नहीं रे, तुमने कह दिया, बस इतना ही काफी है। तू मुझे कातिल समझता था, तू ये जान गया कि मैंने बहन को नहीं मारा है। ए पगले, भाई से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती है। भाई जब तक एक रहते उनकी ताकत होती है, और भाई भाई का दुश्मन हो जाए तो भाई तो टूट जाते हैं, वो ताकत खत्म हो जाती है। रमेश कुमार, अब तुम वापस आ गए हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा भैया। हाँ, अब अपनी पत्नी से कैसे बातें करूंगा मैं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं दोस्तों। मैं एक गद्दार आदमी, लेकिन जिस चीज की तलाश थी, आज जिस चीज के लिए मैं जिंदा हूं, वो है हमारी पत्नी रानी। इसे देखने के लिए मैं तरस रहा था, कुछ ना कुछ तो कहूंगा इसे। रानी, ओ रानी, मैं जानता हूं कि तुम हमसे नाराज हो। अरे भाई जाहिर सी बात है, नाराज होना भी चाहिए। तुम हमसे बात करना नहीं पसंद करती हो, सब ठीक है, लेकिन रानी मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारी तलाश में निकला हूं। मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई दोबारा दखल देने के लिए नहीं आया हूं। तेरा फूल जैसा बच्चा जिसे तूने नहीं मारा था, मैंने तुझे उसका कातिल समझकर मार कर भगा दिया था। उस मालिक से, परमात्मा से देखा नहीं गया, उसने मुझे सजा दे दिया। मेरी जवान बहन मर गई, जिसे हम दोनों ने पाला था वो बेटी हमारी मर गई, और उसका दुश्मन मेरा छोटा भाई मुझे समझने लगा। उसके मार में, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। मैं परेशान तुमसे कम नहीं हुआ, लेकिन बस ये की बात है, मैंने सोचा था कि मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूं, और तुम मुझे मिल गई। बिना कुछ कहे दो मिनट ऐसे खड़ी रहना, आखिरी बार तुम्हें जी भर के देखना चाहता हूं। पापी ही सही, तुम्हारा पति हूं रानी। इन्हीं हाथों से मारकर तुझे भगाया था ना? नहीं, क्या है मेरे पास, सब कुछ तो खत्म हो गया। हाथों को जोड़कर हम तुमसे माफी मांगते हैं। यही तुमने क्या किया? अरे हम तुमसे माफी मांग रहे हैं, तुमने हमारे से ऐसे गद्दार आदमी को पांव छुआ जिसके लायक में नहीं हूं रानी। नहीं समझ।
हेलो। नहीं स्वामी, मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे गलती मानकर क्या मुझे नरक में भी ठिकाना नहीं दोगे? आखिर क्या गलती है आपकी? किस गलती की माफी आप मुझसे मांग रहे हैं? नहीं स्वामी, और इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो हमारे कर्म का, हमारी किस्मत का। किसी ने कहा भी है कि कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जितना हमारे कर्म में, जितना हमारी किस्मत में लिखा था वो मुझे मिला, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलो ये भी मान लेता हूं, अपने पति के सारे ऐप को अपने दामन में छुपा लिया और कहती हो कि सब हमारे किस्मत का दोष है। रानी, अगर हमारी इसमें गलती नहीं है, जरा हमारी तरफ देखो। तुम्हारी नजर में हमारी इज्जत है तो हर आदमी को एक बार सुधरने का मौका दिया जाता है। क्या एक बार हमारा घर नहीं बच सकता है रानी? कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे इतना दिन आपसे दूर रहकर कितना तड़पी हूं, ये हमारी आत्मा ही जानती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भगवान के लिए, अब कभी मुझे अपनों से दूर मत करना। अरे कैसी बात करती है, हमने कभी तुमको अपने आप से अलग कहाँ किया था रानी? अब चुप हो जाओ भाई। देखो भाई, कोई ऐसी गलती मत करना कि अगर पत्नी से कोई भी जरा सी भूल हो जाए तो उसे मार कर मत भगा देना भाई। जो गलती हमने किया है कोई आदमी मत करना भैया। रानी अब सुनो भाई हमारी बात। एक आखिरी बात तुमसे कहना चाहता हूं मैं। बोलिए। उस दिन जब बेटा हमारा मर गया था, बीमार था, मैंने तुझसे जब कहा कि बेटा तुम हमको दे दो, तो तुमने बेटा देने से इनकार क्यों किया था? बच्चे के प्यार में, घबराहट में पता नहीं कैसे हमारे मुख से निकल गया और आपने वही एक बात पकड़ ली। अरे एक गलती की वजह से इतनी बड़ी भूल हमसे हुई। खैर छोड़ो यार, तूने बेटे को तो मारा नहीं और मैंने बहन को नहीं मारा, तो मारने वाला कौन है इसको? कोई ना कोई तो मारा होगा। ये रमेश कुमार तो हमारे बच्चों को मार नहीं सकता, और हम गरीब आदमी, हमसे किसी से कोई दुश्मनी नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा हुई थी, कहा सुनी हुई थी, मैं नहीं रहता था तो तुमसे किसी से कुछ अनबन हुआ था, तुम हमें बताओ। और जब तक बताओगी नहीं, बात कैसे फाइनल होगी कि किसने मरे? हाँ स्वामी, एक बार की बात है। क्या? जब हमारा बच्चा हमारी कोख में पल रहा था। अच्छा अच्छा। एक दिन हमारी झोपड़ी पर अपने चाचा आए थे। चाचा जब आए उस समय कोई नहीं था, मैं अकेली थी। आप कहीं काम पे गए थे, रमेश रितु स्कूल गए थे। चाचा आए, हालचाल पूछे, सबको पूछे कहाँ गए, सब बताए। जब चाचा ने समझ लिया कि अकेली है, बस चाचा को पता नहीं क्या हो गया,
मतलब हमसे उल्टी सीधी बातें करने लगे चाचा। उल्टी सीधी के क्या बात कर रहा था? मैं साफ साफ बताऊं आपको। हाँ साफ बताओ ना चाचा। मुझे अकेली पाकर मेरी इज्जत लूटना चाहे। रमेश नहीं था उस वक्त, दोनों बच्चे स्कूल गए थे। मैं चाचा को बहुत समझाने का प्रयास की लेकिन चाचा हमारी एक बात नहीं सुने। एकाएक मुझ पे टूट पड़े, मुझे पकड़ लिए। मैं बेबस लाचार करूं तो क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आया। मैं चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी। हाँ। मालिक का शुक्र था कि उसी वक्त हमारा देवर रमेश स्कूल से आ गया और चाचा की हरकत देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, चाचा को मारने लगा। अच्छा। यहाँ तक कि चाचा को जान से मारने जा रहा था। इतना होते हुए भी फिर भी मैंने अपनी कसम देके चाचा की जान बचाई। चाचा जाने लगे, रमेश ने रोक लिया। अच्छा। नहीं ऐसे नहीं जाओगे, बोला। फिर बोला हाथ जोड़ो और हमारे भाभी के पैर पड़ो, गलती मान के तब जाओ। चाचा मजबूर हो गए। चाचा हाथ जोड़कर मेरे पैरों पे गिर गए। हाँ। देखो नाराज मत होना। अरे भाई अभी तक नाराज ही तो थे हम। तुम साफ साफ बता दिया, आखिर बात क्या है? जब चाचा हमारे पैरों पे गिर गए, मैं गुस्से में थी, चाचा को पैर से ठोकर मार दी थी। तो जानते हो चाचा जाते समय एक बात कहकर गए। क्या कहा? खूब गुस्से में बोले, ए रनिया, आज तूने मेरे पीठ पे लात मारी है ना, मैं भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, वक्त आने पर, मौका मिलने पर हम तेरे पेट पे लात मारेंगे। चाचा की इस बात से मुझे शक होता है कहीं हमारे बच्चों का कातिल चाचा ही तो नहीं है। रानी सब ठीक है तुम्हारा, लेकिन चाचा हमारा बेईमान हो सकता है, गद्दार हो सकता है, लेकिन हमारे बेटे को नहीं मार सकता। इसे छोटे से बच्चे से उसकी क्या दुश्मनी? और बहन को मतलब क्यों मारेगा? हालांकि अगर तुम कहती हो अगर राम जी रानी ने हमारे बच्चों को मारा है तो हम साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुत्ते की मौत मरेगा गद्दार हरामखोर। सबसे पहले रमेश कुमार बच्चों की लाश उठाओ, इन्हें इनका कफन दफन करते हैं, उसके बाद सीधा हवेली चलना है, रहीमपुर चलो और पता लगाते हैं अगर उस कुतिया का हाथ है, अगर चाचा का हाथ है तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा।